हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप घर में 12 वोल्ट की जो सप्लाई होती है उससे अपन जो आपके घर में कोई बैटरी होगी, जैसे कार की बैटरी, बाइक की बैटरी आदि, उनको चार्ज आप घर में कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बाहर पैसे खर्च करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आपके घर में कार सब कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई होती है, जैसे ओल्ड कंप्यूटर पड़ा हो उसमें से आप पावर सप्लाई निकाल लीजिए। पावर सप्लाई निकालने के बाद आपको करना क्या है, देखो मेरे पास ये पावर सप्लाई है, हालांकि मैंने ये न्यू खरीदी है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये न्यू खरीदा है, तो देखिए आपको सिखाता हूँ मैं। सबसे पहले करना क्या है, ये देखो इस पर दे रखा है 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट प्लस, तो 12 वोल्ट प्लस जो है 15 एम्पियर दे रखा है, मगर इसमें 15 एम्पियर आपको नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है, 12 वोल्ट के लिए, अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए आपको 12 वोल्ट का जो बनाना है सप्लाई, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इन सब वायर को काट दीजिए, जितनी भी ये वाली वायर है इन सबको काट दीजिए। और आपको करना क्या है, सिर्फ ब्लैक वाली वायर जो है उनको अलग कर लीजिए, और ये येलो वाली वायर, ये 12 वोल्ट प्लस की होती है, और ये जो है नेगेटिव ग्राउंड होता है ये। तो आपको ये ग्रीन वायर जो दिख रहा है, ग्रीन वायर को क्या करना है, ग्रीन वायर को किसी भी ब्लैक वायर के साथ अटैच कर दीजिए। मैंने यहाँ इसको अटैच कर रखा है, जिससे कि आपका PSU स्टार्ट हो जाएगा। और ये इस बात का ध्यान रखिए, ये वायर जो है ये लीक नहीं होनी चाहिए, ये न्यू वायर होनी चाहिए, जिससे कि आपको शॉक लगने का वो नहीं रहेगा, खतरा नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, बस ये इसमें अपने बड़े वाले तार जो है 4 गेज वायर, इनको जोड़ दीजिए, जिससे कि आपकी बैटरी को कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये दोस्तों देखिए, जैसे कि ये 12 वोल्ट बैटरी की चार्ज करने के लिए मैंने सप्लाई बना दी है। इससे आप कार की बैटरी, बाइक की बैटरी या और कहीं एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स में अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।